बच्चों, हम इन पर बहुत वक्त जाया कर रहे हैं और बहुत से खूबसूरत लम्हे मिस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह है, हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप प्लान की है। चाहेंगे बच्चे भी हमारे साथ चलें। क्या बात है, हम सब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सच में? आपका शुक्रिया। हम कब निकलेंगे? अगले हफ्ते बच्चों, जब नासिर अपने कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा तो हम भी घूम कर आ जाएंगे। हेलो। देखो बच्चों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये है रेंजर जो। हेलो रेंजर जो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मजा आएगा क्योंकि आप सब यहाँ जाने वाले हैं बच्चों। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट बहुत ही कमाल का होटल है, यकीन मानिए। क्या यहाँ वाईफाई है और एक बढ़िया रेस्टोरेंट? बिल्कुल है ना, सब कुछ है। हाँ। पर आपके डैड का कहना है कि आप तीनों को इस सब से थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए आप इस गाड़ी में जाएंगे और तुम तीनों मेरे साथ आओगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। उनका मतलब है हम चलते जाएंगे। हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। शायद उतना भी बुरा नहीं है। पैदल कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 3 दिन। 3 दिन। हाँ, अगर तेज चलोगे तो। ये तुम सबके लिए बेहतरीन अनुभव होगा और मैं बता दूं, तुम काबिल हाथों में हो। रेंजर जो को सब कुछ पता है। अच्छे से वॉक करना, मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये एक लाजवाब सफर होने वाला है। आपका मतलब है बहुत बेकार सफर। लम्हे में जियो, तुम सब ताल पकड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाओ। देखो तो आसपास कितना सुंदर नजारा है बच्चों। क्या हो गया, गर्मी लग रही है? कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्यों ना ताजा पानी में एक डुबकी लगा ली जाए? क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो देखो, चलो जाओ कूद पड़ो, ये पानी बहुत ही बढ़िया है। हाँ? क्रोकोडाइल्स? माफ करना, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इस झील में क्रोकोडाइल्स नहीं रहते हैं। तुम सब सुरक्षित हो। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये बेड बहुत कड़क है। मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर गया कहाँ? चलो चलते हैं। प्लीज हमें एक और कहानी सुनाइए रेंजर जो। तो ठीक है, मेरे पास तुम सबके लिए एक कहानी है। एक लड़का था, आउटबैक में आग जलाकर बैठा था, पर उसे पता नहीं चला कब उसके पीछे पड़े पत्थर पर एक बड़ा सा कान खजूरा आ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आता गया, पर वो लड़का बैठकर मुस्कुराता रहा। उसके दोस्तों ने उसका ध्यान उस कान खजूरे की तरफ किया, पर उसे लगा वो मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। लड़कों की नजरों से परे वो कान खजूरा पत्थर पर चढ़ गया और उसके सिर तक आ पहुंचा। तब बहादुर रेंजर ने आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। वो मेरे ऊपर आने वाला था। ये कहानी तो सच हो गई है ना? ठीक है, अब सो जाओ मेरे एडवेंचरर्स। हम यहाँ से जाएंगे, नदी का पीछा करके ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे। दोपहर तक हमें पहुँच जाना चाहिए रिसोर्ट तक, जहाँ तुम्हारा वाईफाई, आरामदायक बिस्तर और ठाट भरे रेस्टोरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, तुम दोनों ये वाली ले लो, हम वो ले लेते हैं। काफी आसान रास्ता है और हमें नज़ारे भी दिखेंगे। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो ध्यान रहे, तुम्हें दाहिनी तरफ रहना है, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं? वाइल्ड नेली। वो कौन है? बहुत बड़ा और कठोर झरना है। ठीक है, चलो अब चलें। आखिर चल क्या रहा है? ओ बेल, सारी मेहनत मुझ पर मत छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, कर तो रहा हूँ। ओके बच्चों, जो मैंने बताया था मोड़ आ गया है। दाहिनी तरफ रहना। तुम वाइल्ड नीली से नहीं मिलना चाहते ना? सुना तुमने ओबेर? ओबेर! हाँ? मैंने कहा था जितनी तेज हो सके इस तरफ पैडल करो। मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरे ख्याल से वो बच निकलेंगे। हम उस तरफ आराम से पहुँच जाएंगे। वो लोग नहीं आ पाएंगे। हम नहीं पहुँच पाएंगे ओबेद। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे? हमें वहां तक जाना होगा, रस्सी फेंक कर खींचेंगे। कसके पकड़ो। बचाओ! बचाओ! हमें बचाओ! कसके पकड़ो, हम आ रहे हैं। अब रस्सी को पकड़ो। खींचो 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 खींचो। एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। मेरी तरफ रस्सी फेंकिए। पकड़ो इसे। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी बाईं तरफ से नहीं गुजरा है। तुम दोनों को मेडल मिलना चाहिए। सुना तुमने सालिम? सुना, हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? हम पहुँच गए बच्चों, तो तुम्हें तुम्हारा वाईफाई और बढ़िया नरम बिस्तर और टेस्टी खाना मुबारक हो। मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर यही बाहर रुकेंगे। वाईफाई भागा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, नरम बिस्तर की किसी जरूरत है। सही कहा। और वैसे भी यहाँ कौन से पनीर टिक्के मिलेंगे। इतना बेहतरीन अनुभव देने के लिए शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर। बच्चों। हेलो आंटी। ओ वाह, आपकी पेंटिंग कमाल की है। शुक्रिया उबेद। हाँ, सच में लाजवाब है। मॉम का काम कल शहर की आर्ट गैलरी में दिखाया जाने वाला है। क्या बात है। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को भी बुलाया है, तो मुझे इसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हें भी पेंट करना है तो जरूरत की चीजें किचन में रखी हैं। हाँ प्लीज। शुक्रिया मॉम, बड़ा मजा आने वाला है। मुझे भी ये करना था। क्या पेंट करें हम? मैं जानता हूँ। हाँ? क्या? एक दूसरे को। हो गया। मेरा भी। मेरा भी हो गया। ओके, 3 की गिनती होते ही हम इन्हें घुमा देंगे, ठीक है? 1, 2 और 3। हाँ? क्या? जरा रुको, मेरे जैसे लगी नहीं रहा है। चलो भी, तुम भी अंधे हो। मैं तुम्हारे सर पर मारूं। बच्चों क्या कर रहे हो? ये मेरे जैसे तो दिखता ही नहीं। हमारी पेंटिंग्स कभी हमारी कॉपी नहीं होती हैं। ये तो आर्टिस्ट का नजरिया होता है, कैसे वो दिखता है। ये सब बहुत अच्छी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुम्हें कलर्स की बढ़िया समझ है। सालेम, तुम्हें लाइट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना आता है। और उबेद, तुम्हारा स्टाइल अलग और बोल्ड है। शाबाश। अब तुम लोग शांत रहो ताकि मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर सकूं अपने शो के लिए। वाह! बहुत बढ़िया भाई, वाह क्या बात है। लाजवाब लग रही हैं सारी पेंटिंग्स। इसमें एक आर्टिकल लिखा है, देखो। आज एक आर्ट क्रिटिक आने वाला है यहाँ। जी, वो आने वाले हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। शांति शांति, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, जरा देखो, सब कुछ परफेक्ट है। हाँ? हाँ? ओ, माफ करना। घबराओ मत मरियम, बच्चे सफाई कर देंगे। चलो मेरे साथ घर चलो ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। चलो चलो, साफ कर देना बच्चों। ऐसी जगह पर कौन केक खाता है? गलती से हो गया, रुको मैं भी साफ कर देता हूँ। ओबे, ये बिगड़ता जा रहा है, रुक जाओ। ये लो उबेद, तुम इससे कर लो, 2 मिनट में साफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है सालम। घबराओ मत, इससे सच में साफ हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इसका प्लग कोई निकालो। हम बाल बाल बचे। हाँ सच में, चलो इस मशीन को रख देते हैं। मुझे तो लगा कि हम तुम्हारी मॉम की पेंटिंग से टकराने वाले थे। ऐसा हो जाता तो हमारा क्या होता। हाँ? मुझे बचाओ। ओह, हाँ? अब हम क्या करेंगे? हमें इसे फिर से पेंट करना होगा। मेरा मतलब हमारे पास और चारा ही क्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, हम सबको पेंटिंग आती है ना? तुम्हारी मम्मी ने ये बात खुद कही थी, क्या ख्याल है? ओके, सब मिलकर करते हैं। दोस्तों बढ़िया काम किया। मुझे नहीं लगता किसी को पता चलेगा। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छा काम किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम किया। बच्चों मैं बहुत परेशान थी, बता नहीं सकती कि मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ, पर सब परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। मॉम, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बेटा? वो वहाँ है, सबसे मशहूर आर्टिस्ट। हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। सब कुछ ठीक है बच्चों? हाँ शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। मॉम, हमें सच में आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ सॉरी मंसूर। तो क्या हुआ? पता नहीं आप कैसे बताओ, पर मंसूर कहना चाहता है कि वो क्या हुआ ना, वो हुआ ये, मैं बात ये है। ओह, वो आ गए हैं, हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? ये मेरा लेटेस्ट काम है, ये इस शो का सेंटर पीस है। तो इसे दिखाइए ना। ये तो बेमिसाल है। मुझे इसमें बच्चों जैसे मजेदार स्ट्रोक्स अच्छे लगे। बहुत अलग है और बहुत कमाल के भी। शुक्रिया, मैं अपने 12 साल के बेटे और उसके दोस्तों से इंस्पायर हुई हूँ। हाँ, दिख रहा है, इसमें जवानी का जोश है और बचपन की नादानी भी। हाँ, बहुत अच्छे। मुझे आपके आने वाले काम का इंतजार रहेगा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें डांटूं या गले लगा लूं। सॉरी मॉम, ये एक हादसा था, हमने आपको। तुम तीनों ने किसी तरह सब संभाल लिया, सब ठीक से हुआ, क्रिटिक को भी अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो हम कुछ और भी रीपेंट कर सकते हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम तीनों को भी इस फोटो में होना चाहिए। चलो स्माइल करो। दोस्तों, मैं अपने स्पेशल एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने के लिए रुक नहीं सकता। हे, थोड़ा ध्यान से खेलो। ओह, माफ करना, पर अगर तुम्हें अपने कीमती बॉल की इतनी ही परवाह है तो बेहतर होगा अगर हम सब लोग इससे खेले ही नहीं। सही कहा ना? ओह नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ मत, पार्क में म्युनिसिपैलिटी ने एक नया फुटबॉल फील्ड बनाया है, चलो वहाँ चलते हैं। पास करो, पास करो। यहाँ मुझे दो। ओह, ये भी खाली नहीं है। दोस्तों, ये वाला भी खाली नहीं है। और यहाँ ये लोग हैं। नो फुटबॉल? मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हम फुटबॉल खेल सके? वहाँ देखो, हमें मिल गई। पास करो। अबे, अपना एंगल बदलो, अपना कोना बचाओ, वो शूट करने वाला है। ओह, सबसे पहले इनमें से क्या करूं? अरे, तुमने गोल क्यों जाने दिया? तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इतने सारे काम एक साथ क्यों बोल दिए? ठीक है, तो तुम मेरी जगह खेलो। तैयार हो? हाँ, तैयार। भागो बैद। बहुत बढ़िया। ओए, ये फाउल है। तो पेनल्टी होगी। मुझे माफ करना। ठीक है, तुम्हें अब बस एम करने की जरूरत है। ओह, बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूंगा। नहीं, मेरा बॉल। ओह नहीं, मुझे माफ करना। अच्छा शॉट था ओबेन। ओह, गार्डन की हालत तो देखो जरा। तुम्हें बॉल दिखा क्या? उसे ढूंढने में तो हमें बहुत वक्त लग सकता है। तो फिर ढूंढना शुरू करो। चलो, अब तुम नीचे उतरो बैट। मैं ऐसे ही पूरे गार्डन में थोड़ी ना घूम सकता हूँ। अगर घर के मालिकों ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो साफ है कि घर खाली है। सालेम और मैं जाकर देखते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं। ये बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। और तुम थोड़ा आगे जाकर देखो तुम्हें बॉल दिखाई देती है या नहीं। कोशिश कर लेता हूँ लेकिन बॉल तो अभी। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, बच गया जो मैं सिर्फ घास के ऊपर ही गिरा। तो फिर अब तुम वहाँ हो तो मेरा बॉल भी ढूंढ लो। ठीक है। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? यही मिला। उसे छोड़ो, तुम चुपचाप मेरा बॉल ढूंढो। मुझे यकीन है यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन चेक करना चाहिए। देखो। हाँ। मेरे आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। आंटी किसकी बात कर रही थी? पता नहीं, पर हमें ओबेद और तुर्की को वहाँ से निकालना ही होगा। तुर्की, ओबेद कहाँ है? मेरा बॉल ढूंढ रहा है। उसे वापस बुला लो, वो घर खाली नहीं है। सच में? हमने अभी अभी किसी को अंदर देखा। हाँ, एक अजीब सी आंटी। ओए ओबेद, ओए ओबेद। देखो, मुझे तुम्हारी बॉल तो नहीं मिल पाई है, पर मुझे ये डकी मिली है। जाने दो तुम। अरे वो तो चला गया, अब हम क्या करेंगे? सालिम और मैं जाकर वहाँ घंटी बजाएंगे। हम दोनों? जाना तो पड़ेगा, घर में जो भी है उसका ध्यान भटकाने के लिए। मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगा? तब तक तुम ओबेद को गार्डन से बाहर निकालो। ठीक है, हम घंटी बजाएंगे और उन्हें शांति से समझाएंगे कि हमारी बॉल गलती से उनके गार्डन में आ गिरी। रेडी? मैं रेडी नहीं हूँ। देखो। ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। कौन है बाहर? चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। सुनो ओबेद, इधर आओ। ओह, मेरे ख्याल से तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, ओबेद कहाँ है? वो अभी गार्डन में है, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर क्यों? ये खतरनाक बंगला है, वो दुएस का घर है। हाँ, पर वो कौन है? वो एक शैतानी आंटी है जो लोगों को अच्छे खाने की खुशबू से लुभाकर फंसाती है और खा जाती है। ओबेद! क्या कहा? तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। वापस आओ, अभी वापस आ जाओ। पर अभी तक तो मुझे तुर्की की बॉल मिली कहाँ? मेरे बॉल को भूल जाओ। सबसे पहले तुमने मुझे बॉल ढूंढने भेजा, अब तुम कह रहे हो कि मैं बॉल को भूल जाऊँ। क्या करना है डिसाइड कर लो। तुम बस यहाँ आओ। अच्छा अच्छा, शांति रखो दोस्तों, आ रहा हूँ। कमाल की खुशबू है, क्या बात है। ओबेद नहीं। क्या बनाया आपने आंटी? दुवैस ने ओबेद को पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? हम उसे बचाएंगे। ओह नहीं, ओबेद मुश्किल में है। रुक जाओ, मेरे पास आइडिया है। ओबेद, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हो सकता है? हमने अभी जोरों की आवाज सुनी। ओ, ग्लास गिर गया था। तुम लोगों ने क्या पहन रखा है? ये रक्षा के लिए है। रक्षा? पर किससे? रक्षा उससे बचने के लिए। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी अपनी कॉफी के साथ। स्वागत है, स्वागत है। खजूर खाना चाहोगे? मैंने अभी तोड़े हैं गार्डन से। ओह, शुक्रिया। मैं कुछ सालों से अब्रॉड में रह रही थी, इसलिए गार्डन गंदा हो गया है। क्या इसे साफ करने में मेरी मदद करोगे तुम लोग? हाँ, और फिर बदले में आंटी हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाली हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये है मंसूर, ये तुर्की और ये सालिम। और ये आंटी मेरी नई दोस्त है, दरवेश आंटी। हाँ? हेलो। पर बाहर साइन पर तो दुवैस लिखा हुआ है। नहीं, वहाँ दरविश लिखा है, पर इतनी ज्यादा मिट्टी है तो शायद तुम लोगों को वहाँ दुवैस दिख रहा होगा। क्यों ना हम पहले इनके गार्डन की सफाई कर ले और उसके बाद हम आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। बच्चों, तुमने तो गार्डन को बदल ही दिया। अब चलो सब अंदर आकर खाना खा लो। लो खाओ बच्चों, मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ ना जो गलती से मैंने तुम्हारा फुटबॉल यहाँ अंदर फेंक दिया। दोस्तों, तुम सारे जानते हो मुझे ये गेम बहुत पसंद है, पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है वादी राम, हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून, ये है वादा हमारे गाइड, तुम्हें इनके साथ रहना है। Hey! एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। हाँ? चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या? ऐसा नहीं है, कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा, अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ। ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे ज्यादा मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो देखो मेरे ऊँट के कान को, कितना फनी है। हाँ? तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? हाँ। वो देखो। हेलो, ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है, मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। हाँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबेद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना? किसी की आवाज आई। हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है, थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबेद, मेरी मदद करो। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर, सालिम नीचे गिर गया। क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया। नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर। हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ, हम ओबे, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? हाँ, नहीं। ओबे, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। ओबे, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है। हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो ओबेद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। ओबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते, बताओ? ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे पता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। हाँ? इस तरफ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करें ओबेद? जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब उबैद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर उबैद ने हम सबको बचा लिया है। समर वीडियो गेम्स थोड़ी खेल सकते हैं। यकीन नहीं होता मैं ये कहने जा रहा हूँ, पर हम स्कूल कब जाएंगे? इतना भी बुरा हाल नहीं है उबैद। ठीक है, उतना बुरा ना ही सही। मंसूर, तुम्हारे हेलीकॉप्टर का क्या हाल है? क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। समझ नहीं आ रहा है। इसकी बैटरी काफी भारी है, इसलिए एक नया पावर सोर्स चाहिए। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? मेरी प्रॉब्लम है। 4:30 बजे है। हम बीच पर जा सकते हैं, गर्मी भी नहीं होगी और ऐसे ही बैठे रहने से बेहतर है ना? हाँ, चलेगा। ओह, उस साइकिल को देखो। ओह, बढ़िया है। ओह, वाह, क्या साइकिल है। इस वाली से मैं बोर हो चुका हूँ। इस हफ्ते मैं इससे भी बेटर वाली लूंगा। सच में? और एक साइकिल? क्या तुम्हारा बर्थडे आ रहा है? नहीं, मैंने बस डैड को कहा कि मुझे नई वाली चाहिए। वो मुझे सब कुछ दिलाते हैं। सुनो, क्या मैं एक राउंड मार लूं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। लेकर जाओ। लेकिन हेलमेट कहाँ है? हेलमेट? हेलमेट तो बच्चे पहनते हैं। हाँ? ये लो। शुक्रिया। हाय, मैं गाजी हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। ये पियोगे? नहीं शुक्रिया, मैं ये सब नहीं पीता। क्या तुम्हें भी राउंड मारना है? मैं उसे उतार सकता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं शुक्रिया। एनर्जी ड्रिंक और साइकिल दोनों ही नहीं पसंद है तो फिर क्या पसंद है? मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सी चीजें, जैसे कि इंजीनियरिंग, इन्वेंशन करना, घूमना, एक्सप्लोर करना। और बताओ, और क्या पसंद है? मुझे फुटबॉल पसंद है, जुजित्सु और साइंस। क्या साइंस? मेरे डैड ने मुझे लेटेस्ट केमिस्ट्री सेट दिलवाया है, पर मुझे तो वो बड़ा बोरिंग लगता है। केमिस्ट्री साइंस का एक ही हिस्सा है। फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है। बस बस बस, नहीं पसंद मुझे ये सब। ये सब बहुत बोरिंग लगता है मुझे। मेरे डैड कहते हैं ये पीना मेरे सर पर सोलर पैनल होने जैसा है एकदम। इससे मुझे एनर्जी मिलती है। हाँ, सोलर पैनल बूस्टर, वही तो चाहिए था मुझे। सालिम, उबैद, मैं अब घर जा रहा हूँ अपने हेलीकॉप्टर पर काम करने। तुम दोनों चलोगे? नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रुको। इसके साथ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रुको। मुझे अभी तक राउंड नहीं मिला है। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे, ठीक है? मंसूर, मंसूर, हमारे बिना टेस्ट फ्लाइट मत करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, बाय, जाओ। अरे रुको, तुमने अपना नाम मुझे बताया ही नहीं। क्यों चाहिए? मंसूर की। मंसूर, सालिम और उबेद कहाँ है? बीच पर गाजी हरीफ की साइकिल के साथ खेल रहे हैं। गाजी हरीफ कौन है? एक अमीर लड़का जिसका बस रवैया खराब है और जबान भी। ओ, वैसे वाला लड़का है, समझ गया। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? मैं हेलीकॉप्टर पर सोलर पैनल्स लगा रहा हूँ। ये आइडिया मुझे उसी अमीर लड़के ने दिया है। ये काम करेगा। चलो फिर तो वो बिगड़ा बंदर बच गया। उसका हम कुछ नहीं कर सकते तुर्की। ये रेडी है, चलो चलकर दोनों को ढूंढे। शुक्रिया गाजी, चलो चलकर कुछ पीते हैं। कोई जरूरत नहीं, यहाँ देखो मेरे पास बैग भर के पड़े हैं। ये देखो मेरे डैड इन्हें लेकर आते हैं। आम ड्रिंक्स के मुकाबले इनमें 10 गुना ज्यादा शुगर और कैफीन होती है। बहुत ज्यादा शुगर और कैफीन तुम्हारे लिए बहुत बुरी होगी। अच्छा, बोलने वाले बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस यही पीता रहता हूँ। ये लो, तुम लोग भी पी लो। तुम दोनों तो बहुत मस्ती कर रहे हो। चलो चलो उतार दो। ये लो, एक ये ट्राई करो। ये क्या है? एक बार चखो तो सही, इससे तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा। बहुत टेस्टी है। उबैद, अपनी जीभ देखो, पूरी तरह से नीली हो गई है। और तुम्हारी वाली हरी और तुम्हारी वाली नारंगी। आज बहुत अच्छा दिन था। वो लोग यहीं पर तो थे। ये रहा सबूत, वो यही पी रहा था। ये तो बहुत बेकार है, पर हमें तो वो यहाँ नहीं मिले, तो क्यों ना हम उस तरफ जाकर ढूंढे। चलो आगे क्या करना है इसके लिए मेरे पास अच्छा आइडिया है। हमें ये कैंस डस्टबिन में डालने चाहिए। उन्हें वही छोड़ दो, लोगों को इस काम के पैसे मिलते हैं। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। तुर्की देखो, ये क्या है? ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या है? हमें यहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए। इतने भी डरपोक मत बनो, यहाँ वैसे भी कोई नहीं आता है। अब बहुत मजा आएगा। क्यों ना तुम साइकिल को वहां तक लेकर जाओ। हाँ? रुको, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। बच्चे हो क्या तुम? कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मजे करने हैं या नहीं? हाँ, पर क्या तुम्हें मेरे दिए ड्रिंक्स पीने और मेरी दी चॉकलेट्स खानी है, पर तुम दोनों को मेरी गेम्स नहीं खेलनी है। तुम दोनों चुपचाप चलो। मेरे ख्याल से नीचे जाना चाहिए। अच्छा, नीचे क्यों जाओगे? अगर जाना है तो इधर से जाओ, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और साइकिल की फिक्र मत करना, मुझे उसकी चिंता नहीं है। सर ये देखो मंसूर, वो लोग हर तरफ कचरा फैलाते जा रहे हैं और हम बस उठाते जा रहे हैं। हाँ? नहीं होगा, नहीं, सच में नहीं होगा। सालिम, उबैद, यहाँ मुसीबत से छुटकारा मिला।